तो यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय पॉलिटेक्निक चैनल माय YouTube चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। ठीक है। और यदि आप मेरा थर्ड सेमेस्टर के जो भी बच्चा हो, चाहे वो दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज को या किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज को, यदि आप आगे के फ्यूचर को देखते हैं, यानी आपके फ्यूचर में जो भी कंपटीशन का एग्जाम होगा उसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीन सेमेस्टर से ही आपको क्वेश्चन पूछता है, और यदि उसका बेटर तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मेरे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहीं सारा वीडियो अपलोड करता हूं और नोट्स। ठीक है। तो एक सप्ताह में फ्री डेमो क्लास देने जा रहा हूं, उसके बाद आप लोग को पैड करना पड़ेगा। अच्छा लगेगा तो अभी क्लास कीजिएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा। चलिए आते हैं हम आज फंडामेंटल एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल में आपका क्या क्या फंडामेंटल एलिमेंट के अंतर्गत आता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई सोर्स है, कोई ये आपका एनर्जी सोर्स है और ये आपका कोई लोड है। लोड मतलब सोर्स, मतलब जैसे मान लीजिए जनरेटर आपका सोर्स हो गया, जो बल्ब जलाते हैं वो आपका लोड हो गया। तो जो सोर्स से लोड तक जो आपका सप्लाई आता है, इसमें दो केस होगा। अब यहां पे एनर्जी लॉस भी हो सकता है, अधिक कोई रजिस्टर्ड होगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है। और एनर्जी लॉस जो होता है वो आई स्क्वायर आर के बराबर होता है, जहां पे आई करंट है और आर रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब एनर्जी स्टोर्ड, अब एनर्जी दो फॉर्म में स्टोर्ड होता है, एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो होता है वो इंडक्टर स्टोर करता है, और जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 एल आई स्क्वायर, जहां पे एल इंडक्टेंस है, आई करंट है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो आपको कैपेसिटर जो होता है वो स्टोर करता है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सी वी स्क्वायर। सी आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा, वी आपका वोल्टेज हो जाएगा। और कोई इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है उसको मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। और कोई कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है। ठीक है। इंडक्टर स्टोर किया तो मैग्नेटिक एनर्जी, और कैपेसिटर स्टोर किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका ओम्स लॉ। अभी तक आप जो भी बच्चे पास करके आए होंगे 10th 12th या ग्रेजुएशन से, उन्होंने ओम्स लॉ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना होगा। पर एक बात मैं आपको थोड़ा यहाँ पे जरूर अंतर बताऊंगा जो आप लोग पीछे पड़े हैं। ओम्स लॉ होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय ओम्स लॉ? ये कहता है द करंट फ्लोइंग टू द लीनियर कंडक्टर, मतलब कंडक्टर कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, मतलब इसका कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो दो करंट किसी लीनियर कंडक्टर से जो करंट फॉलो होता है, कहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। तो ये कहता है किसी कंडक्टर से पास होने वाला जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। उस जिस कंडक्टर से जो कोई किसी कंडक्टर से जो करंट पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के दोनों एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है। और व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जब टेम्परेचर हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी करंट जो होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। अभी तक आपको डिफिनेशन ऐसा लिखता होगा और वी प्रोपोर्शनल आई कर दो, ऐसा नहीं, आई प्रोपोर्शनल वी होता है, और आई बराबर जो होता है वो 1/r इंटू वी। ठीक है। जहां पे 1/r को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं r बराबर वी अपॉन आई। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या क्या लिमिटेशन है, आपका थर्ड सेमेस्टर में अभी तक ये तीन बार क्वेश्चन पूछ चुका है नेटवर्क में, इसलिए बहुत कहेगा डिफाइन ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। तो ओम्स लॉ तो आपको बहुत जगह पर होइएगा। अब लिमिटेशन देखिए, कहता है नॉट वैलिड फॉर वेरिएबल टेम्परेचर, ये ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए वेरिएबल होता है, वेरिएबल के लिए नहीं होता है। ये ओनली किसी सॉलिड के लिए वेरिएबल होता है, किसी लिक्विड या गैस के लिए वेरिएबल नहीं होता है। लिक्विड एंड गैस आप कर सकते हैं। ठीक है। कहता है ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, जब सर्किट आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसमें भी हम लोग ओम्स लॉ का यूज नहीं कर पाते हैं।